ओहो कितना गर्मी है। वेलकम बैक माय चैनल लिली गिरी ब्लॉग। फ्रेंड आप लोग कैसे, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। हम भी अच्छे हैं, हमारे फैमिली में भी सब अच्छे हैं, चकाचक हैं। हम आज मॉर्निंग वॉक नहीं जा पाए क्योंकि बारिश बहुत हुआ, बहुत बारिश। कल जैसे गर्मी हुआ ना, आज उस टाइप का बारिश भी हुआ बहुत सारा, इसी वजह से हम नहीं जा पाए। तो चलिए, आज भी बहुत सारे कपड़े हैं, हस्बैंड जी के पैंट्स वगैरह है, और क्या क्या करूँगी और कैसे करूँगी बने रहे वीडियो पर। तो देखिए, आज पहले ही छाछ पी ली, छाछ छाछ, पेट थोड़ा गड़बड़ है।
तो ज़्यादा बर्तन नहीं था, कल मेरा खाना पीना बहुत कम हुआ था, इसी वजह से ज़्यादा बर्तन आज नहीं था। तो वो धुली क्या हुआ ना, आज थोड़ा लेट में नहीं, क्योंकि वो जो हेल्प करने वाली थी वो भी नहीं आई थी, लेट में आई। क्योंकि आज सुबह 4 बजे जो हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं उस टाइम ना, आज इतना जोर बारिश हुआ और बिजली भी कड़क रहा था और जो लाइटिंग हो रहा था, और उसी वजह से हम सुबह नहीं गए। गर्मी भी तो बहुत हो रहा था, लेकिन उसी हिसाब से बारिश भी हुआ। तो ये तवा को देखिए, मैं छुरा से ही उसको निकाल ली थी, तो मुझे जल्दी साफ भी करना था और भी कुछ काम करना था, तो मैं सोची कि नहीं पहले रख दूँ, उसके बाद में जब टाइम मिलेगा थोड़ा सा फ्री होंगी तब तो उसको घिस घिस के साफ करूँगी। तो ये उसके बाद में कपड़े, हस्बैंड के कपड़े, 2 वीक का कपड़ा पड़ा हुआ था, पैंट वगैरह पड़ा हुआ था। तो आज फाइनली मन की कि नहीं, आज ज़्यादा कुछ काम भी नहीं था किचन में, तो उसको भी घिस के साफ करना तो ज़रूरी है, घिस घिस के ही साफ करना पड़ता है, क्योंकि बहुत उनका पैंट में मेरा लगता ना, इसीलिए। तो ये घिस घिस के साफ कर रही थी। और एक चीज़ है, आप वीडियो की एंडिंग तक आप लोग एंड तक देखना, एंड में हम क्या कर रहे हैं वो भी आप लोग देखोगे तो पता चलेगा। तो चलिए एंजॉय कीजिए हमारी वीडियो को।
तो ये मैं जो तवा है इसमें मैं चिल्ला बनाती हूँ ज़्यादातर। चिल्ला बना बना कर इधर जो कोटेड लग गया था साइड में, मैं देखी तो वो जो छुरा में ही उसको घिस घिस के छोड़ा रही थी। तो ये मैं सोची कि नहीं पहले काम कर लूँ, जो कपड़े पर सब पड़ा हुआ था सारे कपड़े को धुल दिया, धुलने के बाद उसको घिस घिस के उसको साफ़ करी और थोड़ा सा गर्म पानी डाल कर भी करी। तो थोड़ा सा गर्म पानी डाल कर करने से भी जो ऑयली ऑयली होता है वो तो छूट जाएगा, इसलिए पानी को भी थोड़ा मैं गर्म कर दी और साफ सुथरा कर रही थी। कितना घिसना पड़ रहा है इसको, बहुत घिसना पड़ रहा है। ये चाय पी रही थी देखिए, और चाय पीने के बाद आज मुझे पता नहीं था, मैं संडे के दिन नाखून का कट करती हूँ लगभग 5 बजे। मैं सोची कि नहीं नेल को भी कट करना ज़रूरी है, नहीं कट करूँगी तो अभी कब याद आएगा पता नहीं, इसलिए मैं नेल को कट कर चाय पी। चाय पीने के बाद नेल कटिंग चल रहा था, ऐसा ही आज दिन में, आज लॉन्च में बाहर ही करी हूँ क्योंकि देखिए ये नेल कटिंग हो रहा था, बाहर ही करी हूँ क्योंकि आज श्राद्ध था, श्राद्ध पूजा, इसलिए किसी के घर में गई थी खाने के लिए। तो ये नाखून भी कटिंग मेरा हो गया साफ सुथरा, हो रहा है।
भाऊ की ना बिल्डिंग लोन के अंत ले जाता नहीं।